तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सब ये कमेंट करते हैं कि सर हम जो है पात्र अपात्र सूची अति या फिर चयन सूची ये कैसे देखें। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जितने भी छत्तीसगढ़ में निकले हुए हैं, जितने भी छत्तीसगढ़ में निकले हुए हैं नियुक्तियाँ, चाहे वो जिला में हो, चाहे वो जिला न्यायालय में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे कहीं और हो, तो इन सब का जो है पात्र अपात्र लिस्ट चयन सूची हम कैसे चेक करें, किस वेबसाइट में जाएँ, कहाँ जाएँ, तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना दिया हूँ। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए ये मैंने बना दिया है एमएस वर्ड में एक फाइल, ये देख लीजिए। और यहाँ पर किसी भी भर्ती की पात्र अपात्र या चयन सूची कैसे देखें, जिला कलेक्टेड भर्ती में, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं, ये देख लीजिए 33, उन सब की वेबसाइट है। और यहाँ पर वेबसाइट कुछ नहीं है, आप लोग देख लीजिए। आपको क्या जाना है, अपने जो ब्राउज़र है ब्राउज़र में जाना है, और ये जो एड्रेस बार है ना, एड्रेस बार में आपको टाइप करना है, देखिए ये वाला, इसको आप सीधा कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि raigarh.gov.in। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको टाइप करना है raigarh.gov.in इस टाइप से। और जैसे आप टाइप करेंगे ये जो पेज खुल जाएगा रायगढ़ का, और इसमें क्या अपडेट है, कुछ निकला है कि नहीं, तो आपको ये नोटिस में जाना है और सीधा भर्ती में जाना है, ठीक है। और ये इस प्रकार से देख सकते हैं 26 जून की इसमें लास्ट अपडेट है, कुछ भी अगर निकला है तो। और यहाँ पर देख लीजिए चयन हेतु चयन सूची जो है पात्र पात्र सूची जारी कर दी गई है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये एक लिस्ट है पूरा। और इस लिस्ट की खास बात यह है, आप कंट्रोल को दबाकर जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक, जैसे देख लीजिए कंट्रोल को दबाकर मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए कोरबा का वेबसाइट खुल गया, ठीक है। और चलिए देख लीजिए कंट्रोल को दबाकर इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए फिर से वेबसाइट खुल गया, ये बिलासपुर का है ना। इस प्रकार से आप जो है ये देखिए कंट्रोल को दबाकर गरियाबंद को क्लिक करता हूँ, ये देखिए फिर से गरियाबंद का वेबसाइट खुल गया, ठीक ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर देख लीजिए स्पेशल डिपार्टमेंट वैकेंसी जो जारी हुआ था अभी, दो महाअधिवक्ता वाला जो जारी हुआ था उसका देखिए, यहाँ पर कंट्रोल को दबाकर क्लिक कीजिए और ये इसके संबंध में जो वेबसाइट है ये जारी हो गए, यहाँ आ गया। यहाँ से आप जो है क्या डिटेल्स निकले हैं ये सब यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद देख लीजिए रायपुर आयुर्वेद महाविद्यालय है, तो यहाँ पर कंट्रोल को दबाकर इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए सीधा खुल गए, हम कहाँ पहुँच गए, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके बाद देख लीजिए ये बिलासपुर आयुर्वेदिक कॉलेज है, कंट्रोल करके क्लिक कीजिए, फिर से पहुंच गए हम रायपुर सॉरी बिलासपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी अपना जो देखना चाहते हैं यहाँ पर सब चीज़ जो है देख लीजिए डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पर आपका जो जॉब है उसके संबंध में, ठीक है। और जैसे वन विभाग भर्ती है तो इसको आप क्लिक करके, CG विधानसभा भर्ती तो इसको ऐसे कंट्रोल कर दबा कर आप क्लिक कीजिए, ये देख लीजिए खुल गया पूरा, इसमें क्या चीज़ हो रहा है सब यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके साथ ही दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी वैकेंसी है, देख लीजिए ये जितने भी जिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं छत्तीसगढ़ के, वे सभी मैंने बना दिए हैं। कुछ में अभी जो है लिंक नहीं डाला हूँ, लेकिन अधिकांश में डाल दिया हूँ, तो इसको मैं कंप्लीट भी कर लूँगा। तो देख लीजिए आपको या तो आप देख लीजिएगा ये वाला चीज़ जो है आपको टाइप करना है, या फिर दूसरा चीज़ आपको जो है क्या करना है, कंट्रोल दबाकर क्लिक करना है। ये ऐसे देखिए बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम चले गए, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, इसको क्लिक कीजिए, ये मिल गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो लिस्ट है आपको PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको जो है ये वाला MS वर्ड जो ऑफिस में है आप टाइप में नहीं करना चाहते, सीधा कंट्रोल करके क्लिक करके आप देखना चाहते हो, फास्ट चाहते हो, तो आप जो है चैनल के मेंबर हो गए तो मैं आपको पर्सनली जो है सेंड कर दूंगा। बाकी ये सभी डिटेल्स जो है आप PDF में आपको नीचे मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।